आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पुलिस बनने के लिए आपको कम से कम कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को कंफ्यूजन रहती है कि क्या वो 12 पास करने के बाद पुलिस बन सकते हैं या फिर उन्हें ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी या फिर वो 10 पास करने के बाद भी पुलिस बन सकते हैं। तो आज की वीडियो में इसी सारे बातें करेंगे और उसके साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपको पुलिस में जाना है, पुलिस में भर्ती होना है, तो आपको किन सब्जेक्ट पे ध्यान देना चाहिए ताकि आपका जो रिटेन एग्जाम हो वो आसानी से क्लियर हो जाए, पहली बार में ही निकल जाए। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। अगर आप पुलिस में जाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो हेलो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप पुलिस में जाना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको पता ही होगा कि बहुत सारे लोग पुलिस में जाना चाहते हैं लेकिन पुलिस में भर्ती होना इतना आसान भी नहीं है। उसके लिए आपको सारी चीज़ें बिल्कुल सही पता होनी चाहिए, आपकी तैयारी बिल्कुल सही तरीके से होनी चाहिए। अगर आपको सारा कुछ नॉलेज नहीं रहेगा, सारा कुछ आपको जानकारी नहीं रहेगी, तो फिर आप पीछे रह जाओगे। दोस्तों मैंने पुलिस के ऊपर बहुत सारी वीडियो बनाई, वो सारी चीज़ देख के आप सब कुछ समझ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आपको पढ़ाई कितनी करनी पड़ेगी, क्या 10 पास करने के बाद पुलिस बन सकते हैं, 12 पास करने के बाद पुलिस बन सकते हैं, ग्रेजुएशन करना ही पड़ेगा। तो देखो मैं आपको यहाँ पे एकदम साफ साफ बता रहा हूँ, अगर आप सोच रहे हो कि आप 10वीं पास करने के बाद पुलिस बन जाओगे तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पुलिस अगर आपको बनना है तो आपको कम से कम 12वीं पास करनी पड़ेगी। वो भी अगर आप 12वीं पास करते हो तो उसमें सिर्फ आपको पुलिस की एक पोस्ट मिलेगी, यानी कि 12वीं पास करने के बाद आप पुलिस बनना चाहते तो आप बस कांस्टेबल बन सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आप बस कांस्टेबल बन सकते हो 12वीं पास करने के बाद। लेकिन अगर आपको इंस्पेक्टर बनना है, सब इंस्पेक्टर बनना है, तो आपको कम से कम ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। जी हाँ, मैं आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर आप 12 के बाद अगर आप पुलिस बनना चाहते हैं तो आप कांस्टेबल बन सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई और पोस्ट पे भर्ती होना चाहते हैं, यानी कि सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर, तब आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। अब बात आती है कि ग्रेजुएशन आप किस सब्जेक्ट में करेंगे, आपको किस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करना चाहिए। तो देखो मैं भी आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि 11-12 में आपके जो भी सब्जेक्ट थे, साइंस सब्जेक्ट थे या फिर कॉमर्स सब्जेक्ट थे या फिर आर्ट्स सब्जेक्ट थे, उसी सब्जेक्ट में आप चाहो तो आप ग्रेजुएशन कर लो। आप किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर सकते हो। अगर आपने आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है, साइंस में ग्रेजुएशन किया है, कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है, तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप पुलिस की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको एक और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि क्या आर्ट्स वाले पुलिस में जा सकते हैं, तो हाँ भाई बिल्कुल आर्ट्स वाले पुलिस में जा सकते हैं, कॉमर्स वाले भी पुलिस में जा सकते हैं, साइंस वाले भी पुलिस में जा सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपका बस ग्रेजुएशन कम्प्लीट होना चाहिए, चाहे आपने किसी भी सब्जेक्ट से किया हो। दोस्तों अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, आप इसे समझने की कोशिश करना और वीडियो पूरी जरूर देखना, क्योंकि आपको बहुत कुछ अब बताने वाला हूं मैं। देखो जैसे कि मैंने पहले ही बोला, पुलिस में भर्ती तो बहुत सारे लोग होना चाहते हैं लेकिन सबका तो सिलेक्शन नहीं हो पाता ना। सिलेक्शन उसी का होता है जिससे सारा कुछ नॉलेज होता है, जिससे पता होता है कि हाँ भाई किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, क्या क्वेश्चन आएंगे, क्या क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उसी ये सारी चीज़ नॉलेज होती है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो देखो आपको एकदम अपनी तैयारी एकदम अच्छी तरीके से करनी है, आपको सारा कुछ कवर करना है। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या पढ़ना है आपको। देखो सबसे पहले तो आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, क्योंकि जो आपका पुलिस में जो रिटन एग्जाम होता है वो आपको करेंट अफेयर्स उसमें ज़रूर आते हैं। अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपका ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप 12वीं बाद पुलिस में भर्ती होना चाहते हो या फिर ग्रेजुएशन बाद पुलिस में भर्ती होना चाहते हो, दोनों का जो सिलेबस है एक ही है, बस ये क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो देखो सबसे पहले तो आपको करेंट अफेयर्स पे अपनी कमांड बनाएं, उसके अलावा जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश और मैथमेटिक्स एंड थोड़ी बहुत रीजनिंग, ये चारों पांचों चीज़ पे आपको अपनी अच्छी तरीके से कमांड बनानी है। देखो दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे आपको समझनी पड़ेगी, अगर आप दूसरे से एक कदम आगे बढ़ के तैयारी करोगे तभी आप दूसरे को पीछे रख पाओगे, नहीं तो फिर आप खुद ही पीछे हो जाओगे। इसीलिए आपको तैयारी दूसरे से थोड़ी बढ़ के ही करनी है ताकि आपका सिलेक्शन पहली बार में दूसरे बार में ही हो जाए और आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या ना हो। दोस्तों अब मैं आपको जो बात बताने वाला, अगर उस तरीके को आप समझ लेते और उस तरीके से अपनी तैयारी करते तो समझो पुलिस की भर्ती में आपकी बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए आते हैं अपनी बात पर। मैं ये कह रहा था कि अगर आपको पुलिस में भर्ती होना है तो क्लास 10th तक के जो भी सिलेबस है आपको उसको समझो कि एकदम खा जाना है। आप उस पर अपना इतनी अच्छी तरीके से कमांड बना लो, चाहे वो मैथ्स हो चाहे वो साइंस हो, इन दोनों सब्जेक्ट पे आपको एकदम अच्छी तरीके से कमांड बना लेना। उसके अलावा तो क्या बचेगा, उसके अलावा करेंट अफेयर्स बचेगा जो कि आप न्यूज़पेपर पढ़ के उस पर कमांड बना लोगे। जनरल नॉलेज आपको अपनी थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी और उसके अलावा जीके और रीजनिंग,
दोस्तों इन सब पे आप कमांड बना लोगे तो आपका सिलेक्शन होने से कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका क्लास 10th तक की जो भी सिलेबस है उसको आपको अपने अच्छी तरीके से कमांड बना लेनी है, प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की कि आप कितना क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से अपनी तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शन समझो बहुत जल्दी और बहुत आसानी से हो जाएगा। अगर आप क्लास 10th तक की सिलेबस पे अपनी कमांड बना लेते हो तो एक तरह समझ लो कि आपका रिटेन का काम क्लियर हो गया, फिर आपको रिटेन एग्जाम की चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं। रिटेन एग्जाम आप एकदम आसानी से निकाल लोगे। उसके बाद बस जरूरत है आपको अपनी फिटनेस, अपनी रनिंग पे ध्यान देने की, क्योंकि उसके बिना भी तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए क्लास 10th तक की सिलेबस को एकदम अच्छी तरीके से कमांड बना लो। आप चाहो तो उसके बाद भी पढ़ सकते हो, क्योंकि पढ़ने की तो कोई लिमिट है नहीं, तैयारी करने की कोई लिमिट है नहीं। आप चाहो तो 11, 12 का भी सिलेबस पे फोकस कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले जरूरी है अपने बेसिक कंप्लीट करना, और बेसिक यानी कि क्लास 10th तक की जो भी आपके सिलेबस है, जो भी मैथ्स है, जो भी साइंस है, उसको एकदम अच्छी तरीके से कर लो। उसके अलावा इंग्लिश रीजनिंग पे भी थोड़ा सा फोकस कर दो, आपका काम बिल्कुल हो जाएगा। उसके बाद रनिंग वगैरह पे थोड़ा सा ध्यान दे लो, उसके बाद आपका सिलेक्शन होने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थी जो कि आपको हेल्प करेंगी अगर आपको पुलिस में भर्ती होना है, चाहे आप 12 बाद कॉन्स्टेबल बनना चाहो या फिर ग्रेजुएशन बाद SI वगैरह बनना चाहो। आपको सारी पोस्ट में, सारे एग्जाम में ये चीज़ हेल्प करेंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए अभी तक नहीं किया तो, और उसके अलावा कमेंट बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। और उसके साथ साथ मैंने जो वीडियो बनाई है पुलिस के ऊपर, वो सारा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और एक चीज़ आप कमेंट पे करके ज़रूर बताना कि आप अभी किस क्लास में हो, किस क्लास में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में, ग्रेजुएशन करो या फिर पढ़ाई कंप्लीट करो, ये चीज़ कमेंट में जरूर आप बताना। और उसके साथ साथ दोस्तों चैनल पे पहली बार आए तो चैनल पे बहुत सारी वीडियोज जो कि आपको पसंद आ सकते हैं तो वीडियोज देखिए। चैनल पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।